Hello and good morning to everyone. My name is Khalid Sheikh and I am here to teach you the chemistry part 1, the physical and inorganic chemistry. Firstly, I warmly welcome you all to the Nyan Sagar classes that you have taken the admission for the 11th and 12th standard and the respective entrance examination. Let me tell you what is our strategy from our end to take the efforts from you. Firstly, we are going to take the lectures that you are hearing us. Then the second one, we are going to solve the numericals, the problems. The third one, you are going to practice it. We are giving you the worksheet. Then the final and the last stage is we are going to take your test and your examinations to make you perfect in the respective chapter and the topic. So what is the question of today is what we are going to take in this our first video lecture. You know that for every topic, there are the some fundamental things. The things which are very, very necessary to reach out the topic. So in this first video lecture, we are going to take the basic part of our chemistry, the physical and inorganic chemistry. From my end, I am going to start inorganic chemistry. उसमें हम जो है आज basic start कर रहे हैं और basic में मैं आपको जो है bond के बारे में बताने वाला हूँ. We are going to take the first topic, that is bond. So you know that what is the bond? Bond हम किसे कहते हैं? The bond, the force, the power, something which binds the two or more things together. Correct? What is a bond? The bond is a force, a power, something which bind the two or more compounds, molecules, ion, atoms together is called as bond. उसे हम क्या कहते हैं? Bond कहते हैं. हम जानते हैं कि कोई भी अगर हम दो सब्सटेंसेस को अगर आपस में अटैच करते हैं तो ऐसी अटैच तो नहीं होने वाले. उनके लिए बीच में हमें कुछ ना कुछ बाइंडिंग एजेंट डालना पड़ेगा. उस बाइंडिंग एजेंट को, जैसे कि अगर हम दो पेपर को आपस में जोड़ रहे हैं तो उसके लिए बीच में हम फेविकॉल डालते हैं. दैट फेविकॉल इज द बॉन्ड ऑफ दैट टू पेपर. वो दो पेपर को आपस में जोड़ने के लिए उस फेविकॉल क्या है? उसका बॉन्ड है. वैसे ही केमिस्ट्री में कोई भी जब मॉलिक्यूल तैयार होता है उस मॉलिक्यूल को आपस में उस मॉलिक्यूल के एटम्स को आपस में जोड़ने के लिए क्या रिक्वायर होता है? हमें बॉन्ड रिक्वायर होता है. तो बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ पावर ड्यू टू विच टू और मोर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स अटैच टूगेदर इज कॉल्ड एज बॉन्ड. उसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं. बॉन्ड क्यों तैयार होता है? बॉन्ड क्यों तैयार होता है? तो बॉन्ड तैयार होता है ऑक्टेट स्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए. क्यों तैयार होता है? ऑक्टेट स्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए बॉन्ड तैयार होता है. तो ऑक्टेट स्टेट किसे कहते हैं? हम सभी जानते हैं ऑक्टेट स्टेट का मतलब है कि लास्ट शेल में, लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉनों का प्रेजेंट होना इज कॉल्ड एज ऑक्टेट स्टेट. उसको हम ऑक्टेट स्टेट कहते हैं. तो 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में लाने के लिए एटम या मॉलिक्यूल जो एफर्ट्स लगाएगा, जो एफर्ट्स लगाकर जो दूसरे एटम या मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा, उसी से क्या तैयार होगा? बॉन्ड तैयार होगा. अब कैसे तैयार होगा तो ये मैं आपको बताता हूं. सो कंसिडर द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल. वी एवरीवन नो दैट क्लोरीन इज अ गैसियस मॉलिक्यूल. So how does this molecule form? ये molecule अब तैयार कैसे होता है? देखिए, the firstly we have the chlorine atom. The firstly we have the chlorine atom. Correct? हमारे पास सबसे पहले क्या है? Chlorine atom है. We know that the atomic number of chlorine is 17. The atomic number of chlorine of 17. Recently you have given the exam of 10th standard. Might be you remember the atomic numbers of elements and atoms. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17. सो हाउ विल वी कॉन्फिगर दिस कॉन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन? 2, 8, 7. करेक्ट है. हम सभी जानते हैं इसका कॉन्फिगरेशन अकॉर्डिंग टू बोहर सीरीज हम इसका कॉन्फिगरेशन ऐसे करते हैं 2, 8, 7. लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? इसके 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. तो लास्ट ऑर्बिट के ये 7 इलेक्ट्रॉन, यहां पर मैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसका लिख देता हूं.
ये लास्ट ऑर्बिट के 7 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। उससे पहले के क्यों नहीं लिया हमने, हमें काम के ही नहीं है। क्यों काम के नहीं है, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में ही 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं ऑक्टेट स्टेट। तो लास्ट ऑर्बिट में मुझे 8 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, इसीलिए मैं लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन देख रहा हूँ कितने हैं इसके पास, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर मैंने 7 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। वैसे ही इसके पास भी कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी मैंने लिख दिया। अब इसके पास भी 7 है, उसके पास भी 7 है, दोनों भी ये चाहते हैं कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, राइट। दोनों की भी क्या रिक्वायरमेंट है कि वो चाहते हैं कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको नहीं दे सकता, और ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको नहीं दे सकता। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जिसके लास्ट ऑर्बिट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वही दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन यहाँ दोनों के लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, सेम, इसलिए ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन उसको नहीं देगा और ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा। जब दोनों अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को नहीं देंगे तो अब क्या होता है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। शेयर करने का मतलब क्या होता है, शेयर करने का मतलब होता है कि इस क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में भी घूमेगा और इसके ऑर्बिट में भी घूमेगा, और इस क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में भी घूमेगा और उसके ऑर्बिट में भी घूमेगा। ऐसा इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, और शेयर होने पर अब यहां पर ये क्या तैयार हो जाता है, बॉन्ड, सॉरी ये क्या तैयार होता है, ऐसे ये बॉन्ड तैयार हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। तो ऐसा क्लोरीन क्लोरीन मिलकर जो है क्या तैयार करता है, Cl2। ये Cl2 तैयार क्यों हुआ, ये Cl2 तैयार हुआ ऑक्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए। क्यों तैयार हुआ, ऑक्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए ये Cl2 तैयार हुआ है, करेक्ट है, ऑक्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए ये Cl2 तैयार होता है, राइट। फिर एक बार मैं समझा दूं आपको, तो क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्टली हम लास्ट ऑर्बिट देख रहे हैं, 7। क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब क्या होता है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन आपस में नजदीक आते हैं ऐसे, करेक्ट है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एक इलेक्ट्रॉन 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसका 7 इलेक्ट्रॉन ये। अब ये दोनों के बीच में क्या तैयार हुआ है, बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग क्यों तैयार हुई, क्योंकि अब इस क्लोरीन के पास आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड इस क्लोरीन के पास है, और इस क्लोरीन के पास भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड, यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है उसके पास भी है। इन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के वजह से इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है और उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। तो ये जो फोर्स है जो दोनों एटम को आपस में अटैच कर रही है, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, तो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड। नाउ द सेकंड थिंग इज, बॉन्ड कितने टाइप के हुआ करते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। सो जनरली बॉन्ड तो ऐसे बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन इन जनरल मैं आपको चार टाइप के बॉन्ड बताता हूं। द फर्स्ट वन इज कोवैलेंट बॉन्ड, द फर्स्ट वन इज कोवैलेंट बॉन्ड। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इज कोवैलेंट बॉन्ड। These are the very, very, very fundamental things. पहले तो मुझे आप ये बताए दीजिए कि ये हम ले क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर मैं ये ना लूँ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी कुछ रिएक्शन हम लिखेंगे वो क्यों हो रहे हैं आपको नहीं समझ में आएंगे। इसलिए उनके लिए ये बॉन्ड का जानना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो लेट मी स्टार्ट विथ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो है बॉन्ड का सबसे पहला टाइप होता है। कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड तैयार होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनों से कोवैलेंट बॉन्ड तैयार होता है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है सेम शेयरिंग, ये एटम जितने इलेक्ट्रॉन लगाएगा अगला वाला भी उतने ही इलेक्ट्रॉन लगाएगा, तो तैयार क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड तैयार होगा। कैसे, कभी हमने एग्जाम्पल लिया था क्लोरीन का,
क्लोरीन के बॉन्ड में ये वाला क्लोरीन भी एक एटम इलेक्ट्रॉन लगाता है सॉरी, और ये क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन लगाता है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लगाकर बॉन्ड बनाते हैं, और ये बॉन्ड हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट द बॉन्ड इज कोवैलेंट? कोवैलेंट बॉन्ड कब तैयार होगा? जब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी? सेम। दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी? सेम। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि दोनों एटम्स के लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, दोनों एटम के लास्ट ऑर्बिट में ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? सेम। यहाँ पर टेंशन ही नहीं है, दोनों के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो कोई इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छीन नहीं सकता है, इसलिए इस क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ेगा और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ेगा, दोनों सेम इलेक्ट्रॉन लगाकर बॉन्ड बनाएंगे और तैयार होगा कोवैलेंट बॉन्ड। वैसे अगर मेरे पास ये था Cl2 का मॉलिक्यूल, मेरे पास अगर H2 का मॉलिक्यूल है, इसमें भी कौन सा बॉन्ड रहेगा? कोवैलेंट, क्योंकि HH सेम एटम है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लगाया होगा, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लगाया होगा, करेक्ट है। वैसे ही मेरे पास कोई भी और है N2, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन? द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, करेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2.5। What is the electronic configuration? 2.5. How many electrons are required to complete the octet of nitrogen? 3. कितने electron require है? 3 electron require है octet complete करने के। तो जितने electron atom को require होते हैं, वो उतने ही bond बनाता है। वो उतने ही bond बनाता है। तो nitrogen कितने bond बनाएगा? 3. यानी कि nitrogen ऐसे triple bond तैयार करेगा। ऐसा ट्रिपल बॉन्ड तैयार करेगा। तो अब ये तीन बॉन्ड तैयार कर रहा है, तो ये कौन सा बॉन्ड है? सारे कोवैलेंट ही है, सभी कौन से हैं? कोवैलेंट ही है, क्योंकि इस नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन लगाए हैं, उस नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन लगाए, दोनों सेम इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं, दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉनों की, इसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, इसको कहते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड। द नेक्स्ट वन इज आयनिक बॉन्ड। The next one is ionic bond. So we know that in the space there is somewhere NaCl को हम सभी को पता ही है। NaCl salt जो है, जो हम खाते हैं NaCl। अब ये NaCl तैयार कैसे होता है और इनमें bond कौन सा? तो ये है sodium N, ये है दूसरा वाला chlorine, okay? सोडियम के लास्ट ऑर्बिट या सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। व्हाट इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम? 2.8.1। एंड व्हाट इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन? 2.8.7, करेक्ट है। अब सोडियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है? 7 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। सोडियम क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है? 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, करेक्ट। अब बताइए दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ताकत किसकी ज्यादा है, पावर किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की। क्यों ज्यादा है? क्योंकि जिसके लास्ट ऑर्बिट में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके कंपैरिजन में कम है। अब देखिए, अब इधर देखिए, अब होता क्या है, ये है सोडियम एंड दिस इज क्लोरीन, ओके। सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में है, सॉरी, सोडियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। क्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्लोरीन के पास होते हैं टोटल 17 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल? 17। दोनों में ताकत किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की। क्लोरीन क्या करेगा? सोडियम को एक जोर से मारेगा और उसका ये इलेक्ट्रॉन खींच कर छीन कर ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? क्लोरीन। अब यहां पर शेयरिंग नहीं हो रही है। क्यों शेयरिंग नहीं हो रही है? इसलिए शेयरिंग नहीं हो रही है, इसलिए पार्टनरशिप नहीं हो रही है, क्योंकि दोनों की ताकत, दोनों की पावर, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है।
इसलिए क्लोरीन क्या कर रहा है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन ले रहा है। सोडियम का इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, हाँ दे दिया, चला गया इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देखो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, अब लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, एक, ऑक्टेट कंप्लीट। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, सेवन, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऐसे दोनों के भी ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अब हुआ क्या इसके बदले में, इसके बदले में हुआ ये कि हम ये जानते हैं, वी नो दैट किसी एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इन एनी एटम्स आर सेम इक्वल। ऐसे सोडियम के पास बताओ मुझे, स्टार्टिंग में सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11। कितने इलेक्ट्रॉन थे सोडियम के पास, 11। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 11-। क्या लिखा है हमने यहाँ पर, 11-। ऐसे ही प्रोटॉन भी कितने हैं, 11। प्रोटॉन भी उतने ही होते हैं, कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में, हम जानते हैं। इसलिए कितना प्लस लिखा मैंने, 11+। तो टोटल चार्ज कितना आया, 0। टोटल चार्ज कितना आया, 0। टोटल चार्ज 0 आ जाएगा। ऐसे ही क्लोरीन के पास, क्लोरीन के पास बताओ कितने इलेक्ट्रॉन थे इनिशियली, 17। तो 17-। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी कितने हैं, प्लस कितना चार्ज होगा न्यूक्लियस में, उतना ही, 17+। इसलिए क्लोरीन पर भी चार्ज कितना रहेगा, 0। इसलिए हम कहते हैं कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल। कैसा होता है, न्यूट्रल। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को चला गया, द वन इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इज ट्रांसफर्ड टू क्लोरीन। सो इसके वजह से अब क्या होगा, सोडियम पे इफेक्ट, सोडियम पर इफेक्ट ये होगा कि ये जो 11- थे अब ये हो जाएंगे 10-। जो 11 इलेक्ट्रॉन थे उसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, उसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन रह गए ना। लेकिन प्रोटॉन चेंज हुए क्या, न्यूक्लियस से कुछ गया क्या, कुछ नहीं गया, सिर्फ ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन गया, यानी कि 1- चला गया। तो 11- से एक चला गया तो कितना रहेगा, 10-। अब इसके बदले में क्या हुआ, अब सोडियम पे चार्ज आ गया, क्या चार्ज आ गया, +1 चार्ज आ गया, दिखाई दे रहा है ना आपको, -10 + 11 = +1, करेक्ट है। ऐसे ही क्लोरीन पर पहले -17 एंड +17 समाये 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन थे। लेकिन अब क्या हुआ, क्लोरीन पर जो 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन थे, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। अब कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 18। अब प्रोटॉन कितने हैं, लेकिन प्रोटॉन 17। क्लोरीन ने प्रोटॉन लिया है क्या, नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिए, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो 17 की जगह पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। लेकिन प्रोटॉन 17 ही है। अब टोटल चार्ज कितना आया, सॉरी, -18 + 17 - 1। क्या सीखा हमने, हमने ये सीखा जो Na था, जो Na था अब वो Na+1 में कन्वर्ट हो गया, और जो क्लोरीन था अब वो Cl- में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर चार्ज कौन सा आता है, प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर चार्ज कौन सा आता है, माइनस। लेट मी राइट दिस, ये मुझे लिखने दीजिए, ऑन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एक्वायर प्लस पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट है। ऑन गेनिंग इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एक्वायर नेगेटिव चार्ज। अरे कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव, जितना डोनेट करेगा उतना ही पॉजिटिव, एक डोनेट किया इसलिए एक पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए एक नेगेटिव, करेक्ट है। अब बोलिए चार्ज पार्टिकल को क्या कहते हैं हम, चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस। क्या कहते हैं हमने, आयंस। अब ये क्या तैयार हो गया, आयन, ये है सोडियम का आयन, ये क्या तैयार हो गया, क्लोरीन, ये है क्लोरीन का आयन, इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम का आयन, इसे हम क्या कहते हैं, क्लोरीन का आयन। अब ये तैयार हो गया Na+ और Cl-, क्या तैयार हो गया, ये Na+ Cl-। अब इसके आगे क्या होगा, Na+ Cl-, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा और दोनों के बीच में बन जाएगा बॉन्ड।
दोनों के बीच में बन जाएगा बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को आप क्या कहोगे, इस बॉन्ड को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ये Na प्लस था, ये Cl माइनस था, प्लस माइनस का अट्रैक्शन हुआ और तैयार क्या हुआ, NaCl का बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड। क्यों हम इसे कोवैलेंट बॉन्ड नहीं कह रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर सेम इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं हुई है। यहाँ पर क्लोरीन ने कोई इलेक्ट्रॉन लगाया है क्या, कोई नहीं। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया था यहाँ पे, बराबर है ना, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया था, जिसके वजह से क्या तैयार हुए थे, आयन। ये क्या है, आयन। ये भी क्या है, आयन। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द आयन, दो आयन के बीच में जो बॉन्ड तैयार होता है, और आयन किसे कहते हैं, द चार्ज पार्टिकल। तो दो आयन के बीच में जब बॉन्ड तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, हम ये कब पहचानेंगे, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस रहेगा। यहाँ पर इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7। दोनों के लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट थे, इसलिए यहाँ पर कौन सा बॉन्ड तैयार हुआ, आयनिक। करेक्ट है। अब इसके बाद जो तीसरा टाइप है वो है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, और उसके बाद लास्ट वन इज मेटालिक बॉन्ड। ये हम हमारे अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक ये बॉन्ड वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग कुछ वीडियोस में हमें फंडामेंटल ही कंटिन्यू करना है, उसके बाद हम मेन सिलेबस पर आते हैं। तब तक के लिए आप, स्टार्ट आज ही हुआ है इसलिए आप स्टडी करते रहिए, उसे ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए।